तो ये हो गया रेडी, सब्जी भी बन गई और खीर भी बन गया। आप खाइए और बनाइए, कैसा लग रहा है खा के देखिएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में आपको याद होगा कि हम लोगों ने ये बेसन के स्नैक्स बनाए थे। तो गाइस, इस वीडियो में मेरी मम्मी आपको सिखाएगी कि इसी बेसन के स्नैक्स की मैं खीर और सब्जी कैसे बनाते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए हमें चाहिए मसाले, तो इसको हम छील लेते हैं। ये हम लोग मसाला इसमें पीस लेते हैं, ऑनियन डाल देते हैं इसमें, ये हो गया। अब हम इसमें थोड़ा टर्मरिक डाल देते हैं और धनिया, दो चम्मच धनिया डालना है, दो चम्मच धनिया, मसाला, गरम मसाला है ये एक चम्मच, नहीं दो चम्मच ये डालिए, आधा चम्मच डाल दीजिए, एक मसाला ये भी है, इसको भी गरम मसाला ही बोलते हैं, ये भी डाल दीजिए और हम इसको पीस लेते हैं, ठीक है। और ये अदरक डाल देते हैं, टमाटर भी कट कर लिया है, इसको भी पीस लेते हैं। तो ये हमने कढ़ाई रख दिया है, गरम हो गया है और इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ये हो गई कढ़ाई, इसमें ऑनियन डाल देते हैं, जीरा, लाल हो जाए जब इसमें हम मसाला जो पीसे हैं वो डाल देंगे। ये हम मसाला डाल देते हैं, मसाला हो गया, ये टमाटर, और इसमें हम कड़ी पत्ता ये लिया है, कड़ी पत्ता डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ये स्वाद अनुसार नमक, और इसमें लाल मिर्च थोड़ा सा डाल देते हैं, ज़्यादा तीखा मत रखिए, जैसे बच्चे हैं बच्चे खा रहे हो तो आप ज़्यादा तीखा मत रखिए, थोड़ा ही रखिए। तो ये थोड़ा ही डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, और उसमें भी ग्रीन डाले थे ना, तो इसलिए आप ज़्यादा मत रखिए, बच्चों को खाने के लिए कम ही तीखा बनाइए जिसमें बच्चे भी खा सके। अब ये हो जाएगा, जब तेल छोड़ने लगेगा तब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, पानी
वाटर डाल दीजिए। ये ढक देते हैं, अभी बॉईल हो जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं खोल के, ये हो गया है, देखिए पकने लगा। अब इसमें हम वो डालते हैं जो बनाए थे रसाज सब्जी, इसको आप ना ज़्यादा देर तक मत पकाइएगा, बस ये और ये जो हमने बोला था ना कि जो बचता है वो डाल देना, जो लगा रहता है उसमें ये डाल दीजिए, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। ये हो गया, ये हो गया। अब इसको हम लोग ढक देते हैं, ठीक है। अब हम लोग खीर की तैयारी कर लेते हैं। ओके चलिए, हम लोग के लिए हमें चाहिए खीर के लिए ये मसाले सब, ज़्यादा कुछ नहीं लगता, इतना डालिए। तो इसको हम लोग किस लेते हैं, इसके रख देते हैं इसमें। हो जाएगा, ये हो गया कि इसको कर लिए। अब हम इलायची कर लेते हैं, इलायची को छील लेते हैं और इसमें कूट लेते हैं। ये हमने कूट लिया है इलायची। अब हम लोग सब्जी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, देखिए ये हो गया है, ये बन गया। अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल देते हैं, ये रेडी हो गया है, बन गया। इसको ज़्यादा चलाएंगे तो ये पूरा वो हो जाएगा, इसलिए इसको ना आराम से निकालिएगा करछुली से और आराम से रखिएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है ना, अच्छा भी लगेगा खाने में। तो ये रेडी हो गया, ठीक है। अब खीर बनाते हैं। ओके, ये हमने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था, ये बॉईल हो गया है। और इसमें अब हम मलाई डाल देते हैं, जो मलाई रखे हुए थे। तो ये मलाई हो गया, डल गया इसमें, और इसको थोड़ा हो जाए फिर इसमें हम मसाला जो बनाए वो डालेंगे। ये मलाई इसमें हो जाए अच्छे से। क्या होता है जब आपका दूध, जैसे हमारे घर में तो कोई मलाई खाता नहीं है ऐसा, तो मलाई बच जाती है, तो ये हम रख देते, तो ये क्यों होता है कि खीर बना लेते हैं इसका, तो अच्छा लगता है। खीर में डाल दो और दूध भी अच्छा हो जाता है इसमें डाल। अब इसमें हम इलायची डाल देते हैं जो कूटे हुए थे, उसका टेस्ट आ जाएगा। ये जो छिलके थे ये भी डाल देते हैं, और हमने जो मसाला बनाया था वो भी डाल देते हैं इसमें। ये मसाला आगे इन लोगों इनको पका लीजिए, फिर बाद में आप वो डालिएगा। वो लास्ट में ही डालना है क्योंकि वो उसमें गल जाएगा, इसलिए आप लास्ट में डालिए उसको जब पूरा ये अच्छे से बन जाए, क्योंकि ये टूटने का ज़्यादा डर रहता है, इसलिए उसको पहले नहीं डालना चाहिए, नहीं तो पूरा उसी में गल जाएगा वो। अब इसमें हम लोग शुगर डाल देते हैं, ये हमने ब्राउन वाला शुगर यूज किया है, आप कोई सा भी यूज कर सकती हैं।
ये हो गया। अपने टेस्ट अनुसार डाल लीजिए, जैसा आपको मीठा पसंद है वैसे ही आप डाल लीजिए। ये हो गया, डाल देते हैं ये जो बनाए हुए थे। ये हो गया, आप इसमें जब खीर बनाइए ना तो छोटे छोटे पीस कर लीजिए और अच्छा लगेगा डालने में। और देने में भी कोई आता है तो आप बनाइए या घर पे बना के खाइए, जरूरी नहीं कि कोई आए तभी बनाइए। और छोटे छोटे पीस करके आप डालिए इसमें खीर में। ये हो गया, ये हो जाए, ये हो गया है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डालने के बाद इसको पका लीजिए करिएगा और इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, बर्तन में ये हो गया रेडी। तो ये हो गया रेडी, सब्जी भी बन गई और खीर भी बन गया। आप खाइए और बनाइए, कैसा लग रहा है खा के देखिएगा। और सब्सक्राइब तो बनता है ना यार, लाइक भी बनता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, हम लोग आपको फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।